यहां जब हम इस विषय में बात करते हैं कि देश में केसेस कम हो रहे हैं, एक्टिव केसेस में कमी आ रही है, साथ ही ओवरऑल रिकवरी रेट बढ़ रहा है, हमें यह सब फिर भी ध्यान रखना है, जैसे कि पिछले बार भी हमने इस मंच से चर्चा की थी कि सेकेंड वेव अभी खत्म नहीं हुई है, खतरा अभी टला नहीं है। जरूरी है कि जो प्रिकॉशंस लेनी है, जो फॉलोअप करना है, हम उसको उसी सुचारू रूप से करते रहें ताकि हम एक साइड पर सेकेंड वेव को पूरी तरह से क्लोज कर सकें। इस विषय में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि जैसे अगर हम इसको फॉलोअप नहीं करते तो हम देखें कि दूसरे देशों में भी ओवरऑल हम केसेस में एक रिसर्जेंस, एक सर्ज नोट कर रहे हैं। जैसे हम आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे यूनाइटेड किंगडम में, जब वहां पर यूरो 2020 फुटबॉल मैचेस हुए, उस समय पर पाया गया कि सडनली केसेस में एक वृद्धि नोट की गई, और जहां सेकेंड पीक के समय पर ऑन एन एवरेज वहां पर डेली 59,000 केसेस आते थे, अब पिछले कुछ माह से, कुछ समय से वहां पर भी वृद्धि नोट की जा रही है, फिर एक डिस्टिंक्ट पीक की तरफ बढ़ते हुए केसेस नोट किए जा रहे हैं, और ऑन एन एवरेज अभी डेली वहां पर 27,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यह विषय हम आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहते हैं कि जरूरी है हम समझे कि इस वायरस का बिहेवियर क्या है, और किसी भी तरह से कोई कोताही हमारे स्थाई पर ना हो, नहीं तो वायरस के फिर से फैलने का खतरा हमारे बीच में बना रहेगा। नॉट ओनली यूनाइटेड किंगडम, हम आप लोगों की दृष्टि में यही स्थिति रशिया के संबंध में लाना चाहेंगे, जहां आप देखेंगे कि अब फिर से एक तीसरी पीक नोट की जा रही है। सेकेंड पीक के समय पर जहां पर उन्होंने 28,000 के करीब डेली केसेस आते थे, अभी उस पीक में भी डिस्टिंक्ट एक 23,000 के करीब केसेस ऑन एन एवरेज डेली रशिया में भी नोट किए जा रहे हैं। इसी तरह से इन देशों के साथ साथ अगर हम और देशों को भी एनालाइज करें तो पाते हैं कि बांग्लादेश में भी सिचुएशन ऐसी है कि थर्ड पीक में सेकेंड पीक से भी अधिक केसेस नोट किए गए हैं। जहां एक थाई पर 7,000 की पीक पिछले समय पर नोट की गई थी, अब वहां पर 9,000 से अधिक केसेस प्रतिरोज रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को वहां पर एक्सट्रीम स्टेप इन टर्म्स ऑफ नेशन वाइड लॉकडाउन भी उसको प्लान करना पड़ रहा है। इसी तरीके से अगर हम अपने आसपास के और देशों में देखें तो साउथ कोरिया में, जहां पर एक समय पर केसेस अच्छे तरीके से मैनेज हो गए थे, लेकिन जब केसेस में वृद्धि नोट की गई, जब वहां पर मल्टीपल पीक्स के स्थाई पर देखा गया कि जहां पर 1,000 केसेस एक समय पीक पर आते थे, अब दोबारा से वहां पर केसेस में वृद्धि नोट की जा रही है और 900 के करीब केसेस प्रतिरोज वहां पर रिपोर्ट हो रहे हैं, तो जो उन्होंने मास्क से संबंधित रिलैक्सेशन इशू की थी, उसको फिर से उन्होंने बढ़ाया है, रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ाया है, और साथ ही जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वहां पर रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ाने का कार्य कंट्रोल मैनेजमेंट के तहत किया जा रहा है।